नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुजनी उपचुनाव में आज 3,11,000 मतदाता करेंगे 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। राज्य के 900 नए घाटों पर बालू खनन की तैयारी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के अस्पताल में शिफ्ट हुए लालू यादव। मनोज वाजपेयी ने पूरी की अपनी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म की शूटिंग। गांव के पंचायत भवन में खुलेंगे ई लाइब्रेरी और लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SECL ने 1,532 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में ग्रेजुएट अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 1,532 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में डिप्लोमा या डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.secl.cil.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुढ़नी उपचुनाव में 3,11,000 मतदाता करेंगे 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर यानी आज मतदान होना है। मतदान की तैयारियां एक दिन पूर्व ही पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दौरान 320 बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेंगे। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,728 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,507 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,474 है। वहीं अन्य में 6 हैं जबकि सेवा मतदाता 741 हैं। उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। देखा जाए तो सीधा टक्कर महागठबंधन से जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता का है। केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा दोनों ही पूर्व मुखिया होने के साथ साथ विधायक रह चुके हैं। जदयू की ओर से साल 2015 तक मनोज कुशवाहा कुढ़नी में विधायक थे। इसके बाद RJD से अनिल सहनी बने और इसकी विधायकी जाने के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के चंपारण जिले के जितवारपुर गांव में हुआ था। रवीश बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। इनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत लोयला हाई स्कूल से हुई थी। इन हाई स्कूल के दिनों से ही महापुरुषों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। पटना से अपनी प्रारंभिक परीक्षा समाप्त करने के बाद रवीश कुमार दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में स्नातक में दाखिला ले लिया। रवीश कुमार पत्रकारिता की तरफ आगे बढ़ने से पहले उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की थी, लेकिन उनके शिक्षक ने उनकी लेखनी देखकर उन्हें पत्रकारिता में जाने को कहा और रवीश कुमार अपने गुरुजी की बात मानते हुए पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। पत्रकारिता में उनके कैरियर की शुरुआत 1996 में NDTV के साथ हुआ। हाल ही में बीते बुधवार 1 दिसंबर को उन्होंने NDTV से इस्तीफा दे दिया। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग पर पटना में प्रदर्शन। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर बीते दिन राजधानी पटना में खूब हंगामा किया गया है। यह मार्च मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में यूनियन से जुड़े लोगों ने गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च किया। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मिथिला उत्तर बिहार का इलाका है, इसे लेकर राज्य बनाने की मांग है। वहीं उन्होंने कहा कि मिथिला की भाषा भी अलग है, यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। ऐसे में जब देश में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया है तो इसे भी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि मिथिला क्षेत्र की आबादी 40 मिलियन है और यह बिहार विधानसभा के लिए 22 सांसदों और 126 विधायकों का चुनाव करता है। इतनी आबादी होने के बाद भी अभी ये अलग राज्य नहीं बनाया जा रहा है। राज्य के 900 नए घाटों पर बालू खनन की तैयारी। बिहार में घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में बालू सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि राज्य के
900 के करीब बालू घाटों पर खनन की तैयारी की जा रही है। बता दें कि राज्य में नए बंदोबस्तधारियों से बालू खनन की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के 35 जिले के करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती सहित पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया भी चल रही है। कोर्ट ने बंदोबस्ती को 25 दिसंबर 2022 तक पूरा करने और राज्य को 3 महीने के भीतर बालू घाटों को पर्यावरणीय मंजूरी देने की समय सीमा तय की है। तब तक राज्य में बालू खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम द्वारा पुराने बंदोबस्तधारियों से 25 दिसंबर 2022 तक खनन की अनुमति दी गई है। ऐसे में निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने 25 दिसंबर से नए बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन शुरू होने तक सभी कार्य विभागों सहित 10 विभागों को निगम के माध्यम से बालू खरीद कर भंडारण करने की अपील की है। मनोज वाजपेयी ने पूरी की अपनी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म की शूटिंग। स्पेशल 26, गैंग्स ऑफ वासेपुर, फैमिली मैन जैसी जबरदस्त वेब सीरीज और फिल्म करने के बाद अभिनेता मनोज वाजपेयी बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। अब जानकारी आ रही है कि अभिनेता ने अपने आगामी कोच रूम ड्रामा फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया है। मनोज वाजपेयी ने अपने इस कोच रूम ड्रामा प्रोजेक्ट की शूटिंग पूरी होने की जानकारी इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा कर दी है, जिसमें वो एक एडवोकेट की तरह कोर्ट में खड़े होकर अपनी दलीलें देते हुए दिख रहे हैं और वीडियो आगे अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी होने की खुशी में टीम के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी रामायण सर्किट की सड़क। बिहार के 5 जिले सिवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी से होकर 243 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सड़क का निर्माण करीब 5,800 करोड़ रुपए की लागत से 4 चरणों में 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह सड़क राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरेगी और उत्तर प्रदेश के अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। रोजी रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ इस सड़क के बनने से राज्य में धार्मिक पर्यटक बड़ी संख्या में आने लगेंगे। इसके लिए पहले चरण में सिवान के मशरक तक करीब 1,027 करोड़ रुपए की लागत से करीब 51 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होना है। बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक छाड़ी गंगा नदी को जोड़ने से इन 5 जिलों को होगा फायदा। बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक छाड़ी गंगा नदी को जोड़ने से राज्य के शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला को फायदा होने वाला है। इसका काम अगले साल 2023 में पूरा हो जाएगा। इन नदी जोड़ योजनाओं के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा, साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले इलाकों का बचाव हो सकेगा। जल संसाधन विभाग ने दोनों योजनाओं की धीमी गति की रिपोर्ट के बाद तेजी से काम करवाने का अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश दिया है। यह बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। इस योजना से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला में बाढ़ से बचाव हो सकेगा, साथ ही बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। गांव के पंचायत भवन में खुलेंगे ई लाइब्रेरी और लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने यह दावा किया है कि बिहार के गांव अब स्मार्ट बनेंगे, जहां बहुत जल्द ही पंचायतों में ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी, साथ ही साथ गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी की थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हमारे नेता राजीव गांधी ने किया था। हम भी कांग्रेस के ही विधायक हैं और उसी की सोच को लेकर चल रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि शहरों की तरह हमारा गांव भी स्मार्ट हो और इसको लेकर हमने काम करना शुरू कर दिया है। गांव को स्मार्ट बनाने की योजना हमारे पास है, जिसे हम कैबिनेट में दे चुके हैं और बहुत जल्द ही इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। उसके बाद हर गांव में जो पंचायत भवन है वहां ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। बिहार के कई शहरों में पारा गिर गया है। ठंड अपने पूरी रफ्तार में है। समस्तीपुर, पूसा और गया सबसे ठंडे शहर रहे। दोनों शहरों का पारा गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के साथ बिहार के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला है। विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सुबह के सभी जिलों में लगभग पारा लुढ़का है। हालांकि कई जिलों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। पछुआ हवा का प्रवाह लगातार जारी है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम लोग घरों में दुबकने लगे हैं। शाम होते ही सड़कों पर गाड़ियां कम दिख रही हैं। राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के अलावा अन्य जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के अस्पताल में शिफ्ट हुए लालू यादव। आज 5 दिसंबर है और आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। खुद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपना किडनी लालू यादव को डोनेट कर रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सिंगापुर के अस्पताल में बीते दिन रविवार को ही शुरू हो गई थी। उन्होंने वहां रविवार को ही अस्पताल में दाखिला
ले लिया है। बताते चले कि डॉक्टरों की सलाह पर रोहिणी ने साहसिक कदम उठाते हुए अपने पिता को किडनी देने का फैसला किया, क्योंकि एक वही थी जिनकी किडनी लालू यादव से सही मैच कर रही थी। ऐसे में अब सब कुछ ठीक रहा तो आज लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। रामानुजन टैलेंट सर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तारीख। राष्ट्रीय गणित दिवस पर आयोजित होने वाले श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 5 दिसंबर 2022 तक कर दी गई थी। आज उसकी अंतिम तारीख है। इच्छुक प्रतियोगी परीक्षा के पंजीकरण हेतु बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट bcst.org.in पर या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bssbihar.org पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 1036 छात्रों और छात्राओं का राज्य एवं जिला स्तर पर चयन किया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह आवेदन आप निःशुल्क कर सकते हैं, इसके लिए कोई राशि आपसे नहीं ली जाएगी। कंप्यूटरीकरण के लिए बिहार के पैक्स की मांगी गई सूची। बिहार के 8463 पैक्स का अब जल्द ही कंप्यूटरीकरण होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के कंप्यूटरीकरण योजना को आगे बढ़ाने के लिए 3 दिनों के अंदर चयनित पैक्स की सूची मांगी है। बिहार के निबंधक सहयोग समितियां, बिहार राज्य सहकारी बैंक और सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने राज्य को दिशा निर्देश जारी किए थे। निबंधक सहयोग समितियां का कहना है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के बाद पात्र पैक्स की सूची उपलब्ध कराई जानी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक को उन्हीं पैक्स की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिनका ऑडिट हो चुका है। 41 की उम्र में सुधा ने न्यूजीलैंड में किया कमाल। कहते हैं कि आपके अंदर अगर जज्बा हो तो किसी भी काम के लिए उम्र मायने नहीं रखता, और इसी बात को सच कर दिखाया है बिहार की सुधा ने। सुधा ने न्यूजीलैंड में पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर अपने नाम कर बीते दिन रविवार को पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर परिजनों ने उनका स्वागत किया। इसको लेकर घर वालों में खासा खुशी है। सुधा ने बताया कि घर वालों के हौसले की वजह से आज यह मुकाम हासिल हुआ है। इसमें पूरी तरह से घर वालों का योगदान है। बताते चले कि न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें सुधा कुमारी ने पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर बिहार को गौरवान्वित किया है। सुधा कुमारी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने 41 वर्ष की उम्र में यह कारनामा कर बिहार का नाम रोशन किया है। चौरासन मंदिर इस वजह से है बेहद खास। खूबसूरत कैमूर की पहाड़ी के बीच एक मंदिर चौरासन मंदिर भी है। 84 सीढ़ियों को चढ़कर जब आप इस मंदिर में पहुंचेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कैमूर पहाड़ी के खूबसूरत वादियों के बीच इस मंदिर की घंटे की आवाज आपको बेहद अच्छी लगेगी। रोहतासगढ़ से चौरासन मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने संतान की प्राप्ति के लिए इस मंदिर को बनवाया था। अगर आप शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ वक्त के लिए शांति और सुकून चाहते हैं तो कैमूर पहाड़ी में स्थित चौरासन मंदिर को आपका इंतजार है। साल के आखिरी महीने में बिहार के क्रिकेट में होगा नए अध्याय का आगाज। बिहार क्रिकेट में दिसंबर के दूसरे हफ्ते और नए साल के पहले हफ्ते में एक नए अध्याय का आगाज होगा। बिहार को लंबे अरसे बाद फिर से रणजी मैचों की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि 13 दिसंबर से राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार की टीम रणजी मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश से भिड़ेगी, तो वहीं 3 जनवरी से बिहार की टीम सिक्किम से 2-2 हाथ करेगी। बता दें कि हाल ही में BCCI ने अंडर-19 के 2 मुकाबले की मेजबानी बिहार को दी थी। इसके बाद अब दोबारा बिहार में क्रिकेट की गतिविधियों के बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। 64 वर्ष पहले बिहार के गांधी मैदान में शुरू हुए रणजी के पहले मुकाबले के बाद इस बार का यह 9वां मुकाबला होगा। बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर बना दिया समर्पित आयोग। बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में घोषणा की है। इसकी पुष्टि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने की है। इसके बाद ही बिहार सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जो कि 2 चरणों में 18 और 28 दिसंबर को निर्धारित है। बिहार सरकार ने यह हवाला दिया है कि यह डेडिकेटेड कमीशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए किया गया है। बिहार सरकार ने यह भी दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि समर्पित आयोग के गठन पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। 3 वर्ष के टेन्योर पर तैनात महिला डॉक्टरों के लिए खुशखबरी।
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 3 वर्ष के टेन्योर पर तैनात महिला डॉक्टर को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में 3 वर्ष के टेन्योर पर पुरुषों के साथ महिला डॉक्टर की तैनाती हुई है। 3 वर्ष की सेवा में तैनात इन महिला डॉक्टरों को भी सरकार ने अन्य डॉक्टरों की भांति मातृत्व अवकाश का लाभ देने का फैसला लिया है। यह निर्णय बिहार सरकार ने कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और फैसले का संकल्प भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बिहार को देगी 8,000 करोड़। स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के इरादे से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय के लिए 1,00,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की है। राज्यों को इस राशि में से उसकी व्यवस्था के अनुरूप 50 वर्ष के लिए सूद रहित कर्ज दिया जा रहा। इसी के तहत 50 वर्षीय ऋण योजना से बिहार को अगले कुछ वर्षों में भारत सरकार से बतौर ऋण 8,046 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। फिलहाल केंद्र ने 2022-23 में स्वीकृत ऋण राशि के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 1,413 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी है, जिसमें से प्रदेश को 706 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। सुशील मोदी ने अति पिछड़ा आयोग द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर खड़े किए सवाल। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मध्य प्रदेश की तर्ज अति पिछड़ा आयोग द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने बिहार की सरकार के इस बयान को चुनौती दी है कि बिहार में पहले से ही गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग को विशेष आयोग का दर्जा मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिया गया है। मोदी ने कहा कि निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर 2021 को नया आयोग गठित कर दिया था, जिसने पिछड़े वर्गों के आरक्षण और चुनाव संबंधी मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट दिया। मोदी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर काम करने का दावा बिहार सरकार कर रही है तो बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकाय चुनाव और आरक्षण संबंधी मामलों में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। जदयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ललन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए ललन सिंह ने बीते 3 दिसंबर को नामांकन किया और बीते दिन 4 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तारीख थी, जहां ललन सिंह के खिलाफ किसी ने भी इस पद के लिए नामांकन नहीं करवाया। ऐसे में अब 5 दिसंबर यानी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ललन सिंह के नाम पर मुहर लग जाएगी। नामांकन की जाँच की तिथि 5 दिसंबर यानी आज ही है, लेकिन किसी अन्य के द्वारा नामांकन नहीं किए जाने से अब यह प्रक्रिया नहीं होगी। आज राष्ट्रीय निर्वाचित पदाधिकारी अनिल हेगड़े ललन सिंह को सर्टिफिकेट देंगे। बताते चले कि राज्य परिषद की बैठक में ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह के नाम पर प्रस्ताव रख दिया था, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जता दी थी और इसी से तय होता है कि ललन सिंह ही निर्विरोध जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने के लिए सीबीएसई ने आवेदन की तिथि जारी कर दी है। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर सीबीएसई ने ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग प्रतियोगिता रखी है। शामिल होने के लिए प्रतियोगिता में सफल होना होगा। मालूम हो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री 2015 से ही परीक्षार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र शामिल होते हैं। बिहार की बात करें तो इसे आयोजन में हर साल बिहार से 5,000 से अधिक छात्र और छात्राएं आवेदन करते हैं, लेकिन इनमें से 3 छात्रों का ही चयन परीक्षा पे चर्चा में होती है। परीक्षा पर चर्चा में बच्चों के साथ शिक्षक और अभिभावक भी जाते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग थीम दिया गया है। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कवि भाई वीर सिंह का 1872 में जन्म हुआ। भारत के क्रांतिकारियों में से एक एचसी दासप्पा का 1894 में जन्म हुआ। भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि जोश मलिहाबादी का 1898 में जन्म हुआ। जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 1905 में हुआ। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नादिरा का 1932 में जन्म हुआ। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी का 1938 में जन्म हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज अंजलि भागवत का 1969 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का निधन 1941 में हुआ। भारतीय लेखक अरविंद घोष का निधन 1950 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी फर्जी वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक फर्जी वेबसाइट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट जीवन
प्रमाण.online जीवन प्रमाण पत्र देने का दावा कर रही है और पंजीकरण शुल्क के नाम पर 150 रुपये का भुगतान मांग रही है। पीआईबी ने आगे लिखा है कि ऐसी कोई वेबसाइट का भारत सरकार से संबंध नहीं है। प्रमाणिक जानकारी के लिए आप जीवन प्रमाण.gov.in देखें। नए नए इमोजी। व्हाट्सएप अपनी ऐप में लगातार नए नए अपडेट लाकर यूजर्स को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देता रहता है। सभी यूजर्स अपनी चैट्स में अलग अलग इमोजी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कंपनी भी यूजर्स की पसंद को जानती है। कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई नई इमोजी जोड़ी थी, जिसके बाद अब फिर एक बार यूजर्स को नई नई इमोजी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन में 21 नए इमोजी देखे गए हैं। इनसे यूजर्स और बेहतर ढंग से अपने इमोशंस प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा नए अपडेट में यूजर्स को भी और भी कई नए फीचर्स मिल सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने बीते दिन पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है निरंजन कुमार सिंह, प्रीतम कुमार, मोहम्मद नजीम अख्तर, सरोज रोहित, मीना शरण, पीके राय, कुंदन राय, शिकंदर कुमार, रामनवमी मांझी, बबन कुमार, आलोक कुमार, अखिलेश यादव, मनोज कुमार, मंगिता भारती, अमन कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, रूपेश कुमार, विद्यासागर और परवेज आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग उचित है या नहीं। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।